तो स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है कि आपका जो ब्लॉक का एड्रेस होता है उससे लोग आपकी ब्लॉक को पढ़ते हैं, पहली चीज़ ये। हाँ ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक ब्लॉग ओपन करा था, एक ब्लॉग कल बनाया था यहाँ पे छोटा सा, तो इसको मैं व्यू करूँगा तो ये आ गया। ओके, अब ओपन कैसे होगा ये मैं आपको बता चुका था कि यहाँ पे आप जो ये डोमेन नेम चॉइस करते हो वो आईडी क्रिएट करते टाइम चॉइस करते हो। अब मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पब्लिश करने के बाद जब भी आप इसको मुझे दोगे तो आपको इस तरीके का ब्लॉग दिखेगा। ठीक, अब हाँ ब्लॉग जो दिख रहा है इसका अपीयरेंस हम सेट करेंगे, मींस यहाँ पे अचीव लिख के आ रहा है, रिपोर्ट अब्यूज लिख के आ रहा है, यहाँ पे एक ब्लॉग पोस्ट आ रहा है, ये हेडिंग लिख के आ रहा है ब्लॉग पोस्ट। ठीक है ना, यहाँ पे पहला पोस्ट है ये, यहाँ और बैकग्राउंड में ये इमेज आ रहा है और यहाँ पे लिखा है पावर्ड बाई ब्लॉगर। ओके, तो हाँ ये सर ठीक है, और यहाँ पे थीम आ रहा है, थीम इमेज्ड बाई गैलरीज छोटा सा लिख के आ रहा है। ओके, हाँ सर अब हम इसको मॉडिफाई करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखो एक सर्च बटन भी आ रहा है छोटा सा। हाँ सर ओके, तो स्टेप बाई स्टेप करेंगे। दो चीज़ें होती हैं, पहला होता है थीम, THEME थीम, और दूसरा होता है लेआउट। ओके, जो ये हाँ थीम होता है, थीम ओवरऑल अपीयरेंस होता है, और लेआउट उस थीम के अंदर, किसके अंदर, थीम के थीम के अंदर, थीम अंदर के अंदर अदर सेटिंग्स करते हैं हम। ठीक है ना, थीम हाँ क्या है, जिस तरह ओवरऑल अपीयरेंस ली, लाइक यहाँ पे जो ब्लॉक का पोजीशन है वो इधर आ रहा है, ये ब्लॉक पोस्ट इस तरह लिख के आ रहा है, इसका टेक्स्ट इस तरह का है, यहाँ पे सर्च बटन आना है लेफ्ट साइड में, ये आना, ये हो गया थीम। ठीक है, लेआउट में क्या होगा, जो आपका ये ब्लॉग लिख के आ रहा है उसमें पोस्ट कमेंट रीड मोर है, इसका फॉन्ट साइज चेंज करना, यहाँ से ये हटाना, वो आ जाता है लेआउट में। ओके, हाँ तो हाँ सर वो सेट करेंगे। तो हम यहाँ पे आ गए, आईडी हमारी क्रिएटेड है यहाँ पे। सबसे पहले हम थीम सेट करेंगे, क्या सेट करेंगे, अपनी थीम। थीम हम थीम पे आएंगे, बहुत सारी ब्लॉग की थीम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, बहुत सारी। ओके, हम एक सिंपल सी कोई थीम चॉइस कर लेते हैं जो मुझे अच्छी लग रही हो, लाइक ये वाली अच्छी लग रही मुझे, तो ये वाली मैं थीम अप्लाई कर देता हूँ। ओके, अब देखो ये मैंने अप्लाई कर दी, अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं इसको एक बार रिफ्रेश करूँगा तो आप देखना ये चेंज हो जाएगा अपीयरेंस इसका। ये देखो थीम चेंज की, तो देखो आप यहाँ फुल ओवरऑल अपीयरेंस क्या हो गया, चेंज हो गया ना। हाँ सर ओके, तो हाँ थीम इस तरह सेट करना है हम लोगों को, बहुत सारी थीम्स होती हैं, जो थीम हमें अच्छी लगेगी वो हम करेंगे। उसके बाद अब हम सेकंड टाइम सेकंड में आएंगे लेआउट में, किसमें, लेआउट ओके। अब यहाँ लेआउट में आए तो सबसे पहले होता है अबाउट मी, सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं अबाउट मी। मी अबाउट मी में अभी क्या है, यहाँ पे देखो मेरे बारे में कोई भी इस पेज पे जानकारी नहीं आ रही है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, क्योंकि देखो यहाँ पे इसमें क्रॉस लगा, आई में देखो क्रॉस लगा है, विजिबल नहीं है इसका मतलब। यहाँ मैंने हाँ एडिट में क्लिक किया, यहाँ पे सो दिस वेजेस में ऑन कर दिया, और यहाँ पे टाइटल अबाउट मी में डाल दिया, मान लीजिए इस तरह कर दिया और डाल दिया। ओके, और यहाँ पे सेव कर दिया। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा, ध्यान से देखना क्या चेंज हुआ, ये देखो फन विद कंप्यूटर, और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे विजिट प्रोफाइल आने लगा है ना, यहाँ विजिट प्रोफाइल कर दोगे तो मेरा यहाँ पे प्रोफाइल आने लगेगा। अभी देखो इस प्रोफाइल पे कुछ नहीं लिखा है, ये मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे जाओ, एडिट प्रोफाइल पे आ गए। अब यहाँ पे देखो धीमे धीमे ये आ रहा है प्रोफाइल फोटो, पहले तो यहाँ पे प्रोफाइल फोटो, लाइक मैं अभी आपको करके बताता हूँ, यहाँ पे कोई फोटो आ रहा है नहीं, उसको नहीं हम एडिट करेंगे। यहाँ पे हम फोटो चॉइस करेंगे, तो फोटो मान लो कोई, नेट पे सर्च कर लो,
सेव कर ली और यहाँ पे मैंने एडिट यूजर पे यहाँ पे फोटो चॉइस कर ली। ओके, डाउनलोड्स में मैंने डाली थी, ये हो गई प्रोफाइल फोटो। ओके, अब यहाँ पे सेव चेंजेस अभी होगा कि नहीं? नहीं, हाँ अभी सेव करना पड़ेगा। ओके ओके, इसके बाद क्या होता है, मैं अपनी डिटेल्स डाल सकता हूँ यहाँ पे, भाई जेंडर डाल या होम यूआरएल वीसी, अगर है तो डालना, नहीं है तो कोई बात नहीं। सिटी लोकेशन डाल सकता हूँ कहाँ से हूँ, ठीक है ना? हाँ। अगर सेव कर लो, अब आपने किस इंडस्ट्री में काम करते हो, ठीक है ना? तो मैंने डाल दिया कंसल्टेंसी कंपनी में काम करता हूँ, तो कंसल्टिंग डाल दिया मैंने। ऑक्यूपेशन डाल दिया यहाँ पे एडवाइजर। इंटरेस्ट यहाँ पे इंटरेस्ट डाले लाइक विलिंग टू नो न्यू कंटेंट अबाउट। इंट्रोडक्शन में यहाँ पे अपने बारे में डालना होता है, ठीक है? इसी तरह फेवरेट मूवी कई सारा होता है। ओके, इतना जितना आपको डालना है आप डाल सकते हो। फेवरेट मूवीज क्या है, म्यूजिक्स क्या है, बुक्स क्या है, रैंडम कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो आप वो डाल सकते हो। फिर इसको आप सेव कर, ठीक है? बस सेव करने के बाद देखो यहाँ पे क्या चेंजिंग, अभी देखो इस तरह का आ रहा है, ठीक है? अभी मैंने सेव कर दिया, अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश मार देता हूँ, ये देखो ये आ गया। अब यहाँ कोई भी मेरा विजिट प्रोफाइल पे क्लिक करेगा तो उसको मेरी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये क्या है, कोडर है, ठीक है? इसने अपना नाम यहाँ पे फन विद कंप्यूटर लिखा है। क्या क्या है, किस इंडस्ट्री में काम करता है, कंसल्टिंग में, एडवाइजर है, लोकेशन लखनऊ उत्तर प्रदेश में रहता है, इसका इंटरेस्ट क्या है। ओके हाँ सर, ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी जब कोई हमारा प्रोफाइल विजिट करेगा तब। ओके, तो आपको हो गया प्रोफाइल एडिटिंग हो गया और आपका थीम हो गया। अब फाइनली लेआउट में जो ये वेजेस होते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज होती हैं जिस तरह सर्च टॉप, लाइक यहाँ पे सर्च बटन आ रहा है। अगर कुछ आपके पेज में मतलब आपके ब्लॉग में किसी को सर्च करना है वो यहाँ पे क्लिक करेगा और यहाँ पे सर्च करेगा तो वो उस आपके ब्लॉग में इस इज वर्ड का यूज जहां हुआ है बता देगा। जैसे यहाँ पे सो ऑल ये आ गया। ओके, यहाँ से वो क्या कर सकता है, सर्च कर सकता है। अब मान लो ये सर्च बटन हटाना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली इसमें क्लिक करो एडिट बटन पे और इसके बाद इसको बंद कर दो और यहाँ पे सेव पे बटन पे क्लिक करो। अब देखो ये सर्च वाला बटन चला जाएगा, ये चला गया, ठीक है? ऑन करना चाहो यहीं से सेम ऑन कर लोगे। ब्लॉग का हेडर यहाँ पे, जिस तरह यहाँ पे ये ब्लॉग है ये हेडर पे ये लिख रखा है। ओके, तो मैंने इसको क्या किया, हेडर पे यहाँ पे एडिट किया, यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट की जगह लिख दिया कंटेंट अबाउट टैबलेट। ओके, और यहाँ पे फोटो भी हम चॉइस कर सकते हैं। मैं एक फोटो अपलोड कर लेता हूँ कंप्यूटर से कोई भी, मान लो ये वाली सिटी की मैंने फोटो ले ली और ये सेव कर दिया। लोडिंग हो गया कंटेंट अबाउट ट्रैवलिंग। ओके, ये सेव हो गया, अब अपलोड हो गई ना, देखो अपलोडिंग हो गया। अच्छा अभी हो रहा है शायद, वन मिनट। हेलो, हाँ हेलो, हाँ हेलो जी, अभी अपलोड हो रहा है, देखो अपलोडिंग लिख के आ रहा है, ये वेजेस अपडेटेड। ओके, अभी यहाँ पे हम रिफ्रेश मारते हैं, देखो क्या लिख के आता है। ये देखो कंटेंट अबाउट ट्रैवलिंग लिख के आ गया। ओके, और अभी अपलोडिंग, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके, तो मैं इसको एक बार और रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा इमेज नहीं आई करके क्या? अच्छा इमेज अंदर आ रही है क्या, इमेज क्यों नहीं आया? अच्छा मे भी ये जो थीम लगा हुआ है इसमें यहाँ पे इमेज नहीं है इसीलिए इमेज नहीं आ रही है। थीम के अकॉर्डिंग होता है, यहाँ पे ब्लैक कलर है इसलिए ब्लैक कलर ही आ रहा है।
ओके हाँ सर। सेम एज यहाँ और भी चीजें होती हैं थीम के अकॉर्डिंग है। थीम ही अच्छी नहीं लगी, दूसरी लगाता हूँ लोगों, ये वाली लगाता हूँ, इसको कस्टमाइज भी करते हैं। हाँ थीम को कस्टमाइज में आ जाते हैं। ये आ रहा है बैकग्राउंड। हाँ देखो इसमें अभी मैंने यहाँ पे थीम लगा दिया, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये आ रहा है। अब देखो इसमें बैकग्राउंड में ये इमेज में रेड कलर का ये आ रहा है ना, तो आप इसको यहाँ से कस्टमाइज में क्लिक किया मैंने, थीम की कस्टमाइजेशन में गए। अब यहाँ पे देखो ये आ रहा है रिमूव इमेज चेंज इमेज। अब यहाँ देखो मैं चेंज करके अगर कोई और लगा दूंगा, इतनी सारी थीम्स आ रही हैं, इतनी सारी फोटोज, मैंने ये वाली फोटो लगा दी और ये डन कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश मारा। अच्छा सेव नहीं किया क्या? ओके आया ये सेव बटन यहाँ पे ये आ रहा है, सर। इस पे सेव बटन पे क्लिक कर दिया। अब रिफ्रेश मारेंगे तो चेंज हो जाएगा, ये देखो चेंज हो गया। ठीक है, और बस यही होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है इसमें। ब्लॉग में मेनली आपको आर्टिकल लिखना होता है, जो मैंने आपसे कहा था लिखने को। अब आपने लिखा है कि नहीं समझ नहीं आ रहा मुझे, लिखा है आर्टिकल वो लिखने को बोला था ना मैंने। है, और देखो यहाँ से कलर टेक्स्ट कलर का है, जिस तरह ये कलर्स का चेंज करना, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। ओके और यहाँ से पेज टेक्स्ट में फॉन्ट का साइज कलर है, तो फॉन्ट आप यहाँ पे साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। लाइक आपको फॉन्ट चेंज करना है, अच्छा देख नहीं रहा सॉरी, तो ये जैसे ब्लैक कलर पे है, अब मैं यहाँ पे फॉन्ट का चेंज करता हूँ, एरियल लगाता हूँ। देखो ये टेक्स्ट ये इधर, तो ये चेंज होगा देखना। ये देखो ये चेंज होगा। ओके तो ये जो ये सब थीम में हो जाता है, और लेआउट वाला बता दिया। लेआउट में क्या मेनली जो ओवरव्यू दिखता है वो चेंज होता है, वेजेस वगैरह ऐड किए जाते हैं। ओके और थीम में ये ऐड करते हैं, मेनली यही होता है ब्लॉग में। ओके